स्टूडेंट्स, आज हम पाठ्यपुस्तक हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा में जो पाठ क्रमांक 4 दिया गया है जोकर, उसमें जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। मुहावरों और कहावतों का भाषा में बहुत महत्व है। इस पाठ में मुहावरों और कहावतों को वाक्य में प्रयोग करके चित्रों के द्वारा समझाया गया है। तो चलिए, इस पाठ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हम इस वीडियो में देखते हैं। जान पर खेलना, इसका अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे? सैनिक अपनी जान पर खेलकर भारत माता की रक्षा करते हैं। दूसरा है ठहाका लगाना, अर्थात जोर से हंसना। रवि बात बात पर ठहाके लगाता है। उसके बाद बताया गया है मन महसूस कर रह जाना, अर्थात कुछ न कर पाना। वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? मन महसूस कर रह जाना। पिता की लंबी बीमारी के कारण राज को कई चीजों के लिए मन महसूस कर रहना पड़ता है। फूलाने समाना, मतलब अत्यधिक खुश होना, बहुत खुश होना। वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे हम? देखो, जिले में प्रथम आने की खबर सुनकर मेरे माता पिता फूले न समाए। दंग रह जाना, अर्थात आश्चर्यचकित होना। और इसका वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? सालों बाद अपने परम मित्र राज को अपने घर देख मैं दंग रह गया। अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए इस प्रकार वाक्य में प्रयोग दिया गया है। दूसरा, आंखें दिखाना, अर्थात गुस्सा होना। राम ने रावण को आंखें दिखाई। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कहावतों का अपने वाक्य में प्रयोग करो। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, इसका क्या अर्थ है? अवसरवादी। और वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? आजकल के नेताओं का क्या क्या विश्वास, जिधर बहुमत देखा उस दल में शामिल हो गए। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। दूसरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका क्या अर्थ है? अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। और वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? देखो, मधु को कपड़े सिलना तो आता नहीं, कमी सिलाई मशीन में बता रही है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। प्रश्न तीसरा, खोजबीन, हाथ पर आधारित 4 मुहावरे लिखो। अब हमें हाथ पर आधारित मुहावरे बताने हैं, तो यहाँ पर 4 मुहावरे मैंने लिखे हैं जो हाथ पर आधारित है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथों हाथ लेना, हाथ बटाना, हाथ पर हाथ रख कर बैठना। अगला प्रश्न है, जरा सोचो बताओ, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो। उत्तर, एक दिन जब मैं अपनी साइकिल साफ कर रहा था, अचानक वह बोलने लगी। मनु, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्कूल और बाजार आदि जाने के लिए मेरा प्रयोग करते हो। साइकिल चलाना अच्छा व्यायाम है। साइकिल चलाने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। आजकल जिधर देखो वायुमंडल में तरह तरह के प्रदूषण देखने को मिलते हैं। ऐसे समय में साइकिल का अधिक प्रयोग प्रदूषण कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। अगला है, निम्नलिखित विषयों पर आधारित एक एक मुहावरा बताओ। आंख, नाक, मुंह, कान, इन पर एक एक मुहावरा बताना है और ये मौखिक है। उसके बाद में दिया गया है अध्ययन कौशल, किन्हीं 5 मुहावरों और कहावतों के सांकेतिक चित्र बताओ। अब यहाँ पर आस्तीन का साफ होना, इसके लिए हमें सांकेतिक चित्र बताने हैं। भैंस के आगे बीन बजाना, पेट में चूहे कूदना। उसके बाद दिया गया है सूरज को दीपक दिखाना और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब इस पर सांकेतिक चित्र यहाँ पर मैंने दिए हैं।
यहाँ पर पहला चित्र आप इस प्रकार बना सकते हैं, आस्तीन का साफ होना इस मुहावरे के लिए, आस्तीन में से सांप निकला हुआ आप दिखा सकते हैं। दूसरा मुहावरा है भैंस के आगे बीन बजाना, तो यहाँ पर आप बना सकते हो एक भैंस का चित्र और उसके आगे एक इंसान खड़ा है और वो बीन बजा रहा है, यह एक सांकेतिक चित्र है। तीसरा मुहावरा दिया गया है पेट में चूहे कूदना, तो इस प्रकार आप चित्र बना सकते हो। बाद में मुहावरा दिया है सूरज को दीपक दिखाना, तो इस प्रकार आप चित्र बना सकते हो। और बाद में मुहावरा दिया गया है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब इस चित्र में क्या दिखाया गया है, एक आदमी है जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, तो इस प्रकार आप इन मुहावरों या कहावतों के लिए चित्र बना सकते हो। समझो, हमें चित्र की सहायता से 12 कड़ी के शब्द बनाकर लिखो। अब यहाँ पर चित्र का पहला अक्षर हमें लेना है, बाद में यहाँ वर्ण दिया है और चित्र का अंतिम अक्षर हमें लेना है। अब यह है कमल, सो कमल का पहला अक्षर क, बाद में ल और आम का अंतिम अक्षर म, सो क ल म। इसी प्रकार आगे के शब्द बनेंगे, यहाँ पर बनेगा काजल, किसान, कीमत, कुटीर, बाद में कूकना, कमल, केकड़ा, कैलाश, कोयल, कौशिक और कंगन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, बाय बाय।